नमस्कार दोस्तों अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट है तो चलते हैं प्रश्न की ओर सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मंडिका उपनिषद मंडिका उपनिषद अगले प्रश्न की ओर हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार भारत अगले प्रश्न की ओर गोदान के रचयिता कौन है गोदान के रचयिता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद अगले प्रश्न की ओर कथक कली नृत्य किस प्रांत से संबंधित हैं कथक कली नृत्य किस प्रांत से संबंधित हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल अगले प्रश्न की ओर टंगस्टन टंगस्टन धातु सार्वधिक कहाँ पाई जाती है टंगस्टन धातु सार्वधिक कहाँ पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में अगले प्रश्न की ओर सार्वधिक सफल मुगल बादशाह कौन था सर्वाधिक सफल मुगल बादशाह कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार अकबर अगले प्रश्न की ओर जंतर मंतर जयपुर व दिल्ली का निर्माण किसने करवाया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक महाराजा जयसिंह। अगले प्रश्न की ओर दी गाइड के लेखक कौन है दी गाइड के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण अगले प्रश्न की ओर निम्न में से कौन सा नृत्य नहीं है निम्न में कौन सा नृत्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओणम अगले प्रश्न की ओर आई पूरा करने पर है आई पूरा करने पर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन पेनेल कोड इंडियन पेनेल कोड अगले प्रश्न की ओर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित माहे क्षेत्र राजनीति राजनीतिक दृष्टि से किस संघीय प्रदेश का भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार पांडुचेरी पांडिचेरी अगले प्रश्न की ओर भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम अगले प्रश्न की ओर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र अगले प्रश्न की ओर अर्जुन पुरस्कार निम्न में किस को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस को दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक खिलाड़ी को अगले प्रश्न की ओर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन जॉन गैटनबर्ग जॉन गैटनबर्ग अगले प्रश्न की ओर भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में अगले प्रश्न की ओर सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पादन होता है सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पादन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड में अगले प्रश्न की ओर ज्ञानपीठ पुरस्कार से, से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशा पूर्ण देवी अगले प्रश्न की ओर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक निर्वाचित सांसद व विधायक निर्वाचित सांसद व विधायक अगले प्रश्न की ओर भारतीय संसद संविधान में कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक तीन सौ पंचानवे अगले प्रश्न की ओर करो या मरो का नारा किसने दिया करो या मरो का नारा किसने दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने अगले प्रश्न की ओर टिहरी बांध किस नदी पर है टिहरी बांध किस नदी पर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गंगा अगले प्रश्न की ओर भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण में कहाँ पर किया भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई उन्नीस सौ अंठानवे में कहाँ पर किया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पोखरण राजस्थान में है पोखरण अगले प्रश्न की ओर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर एस राधा कृष्णन अगले प्रश्न की ओर सेना दिवस कब मनाया जाता है सेना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंद्रह जनवरी को पंद्रह जनवरी को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद